हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है और पाइथन प्रोग्रामिंग में खास क्या है आइए आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर पाइथन की आईडी पहले हम ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आईडी ये मैंने डाउनलोड कर रखा है python.org से, आप भी चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसे पाइथन की शेल कहते हैं, SHELL शेल पाइथन का होम पेज है, ठीक है। अब यहाँ पर एक लिस्ट बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, लिस्ट बना रहा हूँ, कलर्स की एक लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये लिस्ट ही है, कलर की लिस्ट बना रहा हूँ। यहाँ पे लिख दिया रेड ग्रीन और फिर यहाँ लिख देते हैं ब्लू, जरा ध्यान दीजिएगा एरर यहाँ पर किस तरह की आने की संभावना है उसकी बात करेंगे। ये रेड ग्रीन ब्लू लिख दिया और एंटर किया, यहाँ पर हम क्या करेंगे कलर्स को प्रिंट करवाएंगे, तो ये लिख दिया कलर्स डॉट इंडेक्स, ठीक है, ये लिख दिया। और इंडेक्स लिखने के बाद अगर हम यहाँ पर कलर्स को मेंशन करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको रेड देखना है, तो हाँ यहाँ पे हमने मेंशन करा रेड, तो यहाँ पे अगर रेड मेंशन करके और आप ये चाहते हैं कि ये बताए कि रेड का पोजीशन क्या है, तो ये नेम, ये देखिए नेम एरर बताएगा, क्योंकि इंडेक्स जो है जो काम करता है ना वो सीधा सीधा नंबर्स पे काम करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये रेड ग्रीन ब्लू में से किसी की भी स्थिति बता नहीं पाएगा, जो इंडेक्स है ना तो रेड की स्थिति बताएगा, ना तो ग्रीन की स्थिति बताएगा, ना तो ब्लू की स्थिति बताएगा, क्या बताएगा फिर, ये भी सोचने वाली बात है, ठीक है। अच्छा जैसे मान लीजिए रेड ग्रीन ब्लू तो दे दिया, अब चलिए देखिए अब सोच समझते हैं, यहाँ फिर वापस आते हैं, ये लिखते हैं कलर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करता हूँ 66, 8, 9, 99 ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये भी लिस्ट ही बनी हुई है और यहां पर भी सेम चीज मैं लिखता हूँ कलर्स डॉट इंडेक्स इंडेक्स, ठीक है। और यहां पर हम 8 की इंडेक्सिंग पता करना चाहते हैं, देखिए इंडेक्सिंग के बारे में पहले डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, ये जीरो इंडेक्स है, इंडेक्सिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होगी, जीरो से, एरे की इंडेक्सिंग, देखिए सी लैंग्वेज में भी बताया था एरे की इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से, तो ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, तो अभी एट की इंडेक्सिंग क्या आएगी, वन आएगी, तो देखा जाए आता है कि नहीं, पहले तो नेम एरर आ रहा था, अब देखा जाए तो यहाँ पे एट की इंडेक्सिंग क्या बता रहा है, वन बता रहा है, देख सकते हैं ना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर मान लीजिए यही चीज सेम लिखी हो और एट की जगह किसी और की इंडेक्सिंग किया गया, अब मान लीजिए एट की जगह 99 की इंडेक्सिंग पता करनी है, तो जरा काउंट कर लीजिए 0, 1, 2, 3 होगी इंडेक्सिंग, तो एक बार एंटर करते हैं, ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट ये नहीं लेगा, तो यहाँ पर एक काम करते हैं इसको बंद करके दोबारा से चला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये पाइथन लिखा हमने और ये एंटर कर दिया तो ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर वापस से वही चीज देते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा कलर्स इज इक्वल टू, और फिर वापस से कोई ऐसे लिस्ट बना लेते हैं, ये 99, फिर यहाँ 77, फिर 5, इस तरीके की लिस्ट बना ली हमने और कलर्स नाम दिया था, तो जो नाम देंगे वही लिखेंगे। इस बार हम 77 की इंडेक्सिंग पता करते हैं, तो यहाँ लिखा इंडेक्स और यहाँ पे लिखते हैं 77 और 77 लिख करके एंटर कर दीजिए, तो देखिए ये बता रहा है कि ये दो नंबर की इंडेक्सिंग किसकी है, 77 की। अगर मान लीजिए यहाँ 77 न दिया हो, 5 दिया हो, तो क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 3 आना चाहिए, तो ये बहुत आसान है, ठीक है, और ये नंबर्स पे काम करेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ओके। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी, और संडे को टैली की लाइव क्लास चलेगी, तो 7 बजे शाम को जुड़ना मत भूलिएगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा सारी बातें, तो 7 बजे शाम को टैली की लाइव क्लास चलेगी। और ये लाइव क्लास अब मुझे लगता है कि गर्मी भर में चलाऊंगा, तो जितनी गर्मी की छुट्टियां हैं उसको पूरा यूटिलाइज कीजिए और लाइव क्लास का मजा लेते रहिए, ठीक है, और सीखते रहिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।